नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानसिक और अकबर दोनों ने मिलकर सरनाल की बैटल, जो सरनाल का युद्ध था वो जीता गुजरात के अंदर 1572 के अंदर। ठीक है, युद्ध जीतने के बाद में मानसिंह को दोनों किया गया। मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया आपको। ठीक है, वहाँ से सरनाल से मतलब गुजरात से, पहले तो मैं एक बार एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। अकबर ने अपनी लाइफ के अंदर पहली बार जब ये सरनाल की विक्ट्री की थी इन्होंने, ठीक है, मानसिंह और भगवान दास सिंह के साथ मिलकर, तो पहली बार समुद्र देखा, सी देखा था अकबर ने इसी युद्ध को जीतने के बाद गुजरात में। ठीक है, वहीं से 1572 में गुजरात से मतलब गुजरात से अकबर ने एक अकबर ने अब राजस्थान मोस्टली राजस्थान जीत चुके थे। ठीक है, तो अकबर ने मेवाड़ में मतलब उदयपुर चित्तौड़गढ़ बोल सकते हो आप लोग, मेवाड़ में उस समय राजा कौन थे 1572 में, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को एक संदेशा भिजवाया, ठीक है, एक मैसेंजर के थ्रू। ठीक है, उस मैसेंजर का नाम क्या था, जलाल खान। क्या नाम था उसका, जलाल खान। ठीक है, क्योंकि अकबर और भगवान दास ने डिस्कस किया कि ऑलरेडी इन 1568 के अंदर 1568-67 के अंदर हमने उदयपुर को जीत लिया था। ठीक है, उस समय उदयपुर में कौन था, मेवाड़ का राजा कौन था, उदय सिंह। ठीक है, तो अब अकबर युद्ध नहीं चाहता था कहाँ पर, मेवाड़ में, भगवान दास की सलाह पर और मानसिंह की सलाह पर। तो इन्होंने क्या भेजा है वहाँ पे, अकबर ने गुजरात से जलाल खां को, जलाल खां 1572 में मेवाड़ पहुँचा महाराणा प्रताप के पास, और महाराणा प्रताप को कहा कि हमारे जहाँ बना अकबर, आपको अकबर का आदेश है कि आपको हमारी अधीनता स्वीकार करनी होगी। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने जवाब दिया जलाल खां को कि जला जला के हैं लाल कर दूंगा, यहाँ से भग जा अभी के अभी। ठीक है, ये किसने जवाब दिया, महाराणा प्रताप ने जलाल खान को जवाब दिया। जलाल खां वापस आया गुजरात के अंदर। अभी अकबर, मानसिंह और भगवान दास, मानसिंह के फादर वो वहीं थे, सरनाल में गुजरात में मौजूद थे। अकबर ने उस समय फिर जब वापस जलाल खां आया मेवाड़ से संदेशा लेकर कि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ठीक है, शिष्टमंडल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसके बाद में अकबर अभी भी युद्ध नहीं चाहता था, अकबर नहीं चाहता था मेवाड़ से युद्ध हो। ठीक है, तो अकबर ने अकबर तो यहाँ से सरनाल से सीधा कहाँ चला गया, सपोज आगरा, वहाँ पर आ गया, और बीच में रास्ते में क्या है, मेवाड़। तो अकबर ने यहाँ से किसको भेजा, सबसे पहले अकबर ने यहाँ से प्लानिंग की और अकबर ने मानसिंह को भेजा युद्ध के लिए, युद्ध के लिए नहीं मतलब संधि के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। पर अकबर ने मानसिंह को कहा था कि महाराणा प्रताप के साथ हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते, बस शांतिपूर्वक कार्य होना चाहिए, तुझे कोई युद्ध नहीं करना है। जबकि मानसिंह ने कहा महाराज मेरी टेढ़ी तलवार टेढ़े टेढ़े लोगों को सीधा करने में बड़ी माहिर है। पर मानसिंह अकबर ने कहा नहीं, ऐसा युद्ध नहीं करना है। पर मारवाड़ में घुसने से पहले और मारवाड़ में घुसने के बाद तो अपना युद्ध कौशल दिखा सकता है, डरा दे महाराणा प्रताप को अच्छे से, मेवाड़ी सैनिकों को, कि अकबर के सैनिक सेनापति कितने खतरनाक है, बस डराना है पर उनको किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारा नुकसान किया उनका 1568 के अंदर, 1669 के अंदर। ठीक है, जलाल खां फर्स्ट शिष्टमंडल था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद में 1573 के अंदर अकबर तो चला गया आगरा, भगवान दास भी चला गया मानसिंह। मानसिंह सबसे पहले जाता है इधर से बांसवाड़ा, था सबसे पहले क्या आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का महाराजा राजा अधीनता सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर लेता है किसकी, अकबर की, बड़े ही प्यार से। तो मानसिंह वहाँ पे कुछ भी नहीं करता, ठीक है, मानसिंह बोलते चल ठीक है तुझे छोड़ दिया, और उससे आगे बढ़ता है। जैसे आगे बढ़ता है तो अगला जो स्टेट आता है उसका नाम है डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर में उस समय डूंगरपुर के राजा कौन थे 1573 में, आसकरण सिंह। क्या नाम था, आसकरण। जब मानसिंह ने अकबर का प्रस्ताव रखा आसकरण के सामने कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार करनी है, तो आसकरण ने उसका अपमान किया, पहले तो अधीनता एक्सेप्ट नहीं की और साथ ही में मानसिंह का अपमान किया। मानसिंह का कि तुम इतना काला कैसे, मतलब पर्सनली चला गया मानसिंह को। देखो मानसिंह अभी गुस्से में था, अभी बताया ना मैंने लास्ट वीडियो में कि सरनाल की बैठे में मानसिंह ने कैसा परफॉर्मेंस किया था, कितना ताकतवर था ये और कितना गौरव दिखाया था वहाँ पे। अभी साइलेंट था वो, और पर अकबर ने इसको परमिशन भी दे दी थी कि मारवाड़ में घुसने से पहले तुझे युद्ध कौशल तू कर सकता है। डूंगरपुर के महाराजा आसकरण ने मानसिंह का अपमान किया,
ठीक है, तो इतना मोटा और इतना काला कैसे है? इस बात को लेकर मानसिंह ने कहा, ठीक है मैं तो काला हूँ, आप तुझे देख कितना लाल करता हूँ। और वहीं पे अपनी तलवार निकाली और आसकरण को मार दिया। ठीक है, स्वर्गवास हो गया आसकरण का, हेवन में चला गया। और उसके बाद में डूंगरपुर में जो भी इसके सैनिक थे जो अकबर के खिलाफ थे उनको मार दिया। और एंट्री की किसमें? मेवाड़ में, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। अब देखो मानसिंह कहाँ पहुंचा, किससे मिलने? मेवाड़ में महाराणा प्रताप। तो इसके दो फैक्ट मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहली बात देखो, अकॉर्डिंग टू द अबुल फजल, अबुल फजल एक हिस्टोरियन है जिसने अकबर नामा लिखा था, ठीक है, आईने अकबर लिखी थी, अकबर का इतिहासकार था। अबुल फजल के अकॉर्डिंग मिर्जा राजा मानसिंह, MRA मतलब मिर्जा राजा मानसिंह, MP मतलब महाराणा प्रताप, दोनों ही बड़े प्यार से मिले थे। कहाँ पर? गोविंदा में दोनों भोजन किया दोनों ने, और प्रेम पूर्वक मिर्जा राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को कहा था कि आप अधीनता स्वीकार कर लीजिए अकबर की। तो महाराणा प्रताप ने इस बात को टाल कर कोई और बात करने लगा। तो मतलब मानसिंह समझ गया कि अभी इस बारे में महाराणा प्रताप कोई डिसीजन नहीं ले सकता और नहीं लेगा। तो मानसिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अकबर ने पहले कह दिया था मिर्जा राजा मानसिंह को कि हमें महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करना है। ठीक है, ये तो भी अबुल फजल के अकॉर्डिंग। पर अकॉर्डिंग टू द कर्नल जेम्स स्टोल, यह भी एक हिस्टोरियन है, ये इंग्लैंड का हिस्टोरियन है। देखो इसके बारे में, इंग्लैंड का, इसका इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ 70 ईयर के अंदर। इसने इंग्लैंड में आर्मी ज्वाइन की थी क्योंकि इसके फादर का नाम क्या था? जेम्स। ठीक है, इसके फादर बड़े बहादुर थे, इसलिए इसके फादर बड़े बहादुर थे, युद्ध में मारे गए थे। तो इसके फादर को डेथ के बाद में अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टोड़ की तो टाइटल दिया था। तो इसकी मदर इसको लिटिल जेम्स बोलती थी, कर्नल जेम्स टोड़। तो कर्नल जेम्स टोड़ इंडिया में आया और इंडिया में आकर और राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है कर्नल जेम्स टोड़ ने इंग्लिश के अंदर, जिसका हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो सिरोही के हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, कर्नल जेम्स टोड़ के अकॉर्डिंग क्या हुआ? देखो जब महाराणा प्रताप और मिर्जा राजा मानसिंह मिले, ये दोनों मिले थे उदय सागर लेक पे। कहाँ पे मिले थे? मिर्जा राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप कहाँ मिले? उदय सागर लेक पे मीट हुई, दोनों समझो बातचीत हुई। ठीक है, पर जब महाराणा प्रताप, मिर्जा राजा मानसिंह ने महाराणा प्रताप को कहा कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली करनी है, तो महाराणा प्रताप ने उस समय इसके अकॉर्डिंग भी कुछ जवाब नहीं दिया और कुछ और बात करके उस बात को टाल दिए। और शाम को जब भोजन की टाइम हुआ तो वहाँ पे जहाँ जिस कैंप में टिके रुके हुए थे उदय सागर लेक के पास में, वहाँ पे कौन आया? वहाँ पे आया अमर सिंह। कौन आया? अमर सिंह सिसोदिया। अमर सिंह सिसोदिया कौन था? महाराणा प्रताप का बेटा। ठीक है, वो एक टिफिन लेके और दरी लेके आया। यहाँ पे दरी बिछाई, दो दरी बिछाई खुद के लिए और एक मानसिंह के लिए। यहाँ पे कौन बैठा? मानसिंह बैठा इस दरी पे। और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई, थाली लगा दी गई, जाजन बिठा दी गई, दोनों बैठ गए आमने सामने। मानसिंह सोच रहा था कि महाराणा प्रताप आएंगे उसके साथ भोजन करने, क्योंकि राजा के साथ कौन खाना खाता है? राजा, नो कि युवराज। ठीक है, तो मानसिंह वहां पे बैठा हुआ था, मानसिंह वहां पे बैठा हुआ था। देखा मानसिंह ने अमर सिंह को पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ है? तो अमर सिंह ने कहा कि पिताजी तो कोई कारणवश कहीं चले गए और वो नहीं आ पाएंगे, उनका सिर दर्द हो रहा है, मतलब ऐसा बहाना मान लिया अमर सिंह ने। तो मानसिंह थोड़ा सा सोचा ये क्या हुआ कि मेरे साथ खाना क्यों नहीं खा रही। उसी टाइम पे अमर सिंह ने कहा कि हाँ महाराणा प्रताप, मतलब मेरे पापा जो है बातचीत कर रहे थे अपने हमारे अंकल से और घर के बड़े लोगों से कि हम लोग इनके साथ भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटे राजपूत हैं, हम लोग उच्च उच्च कैटेगरी के राजपूत हैं। मानसिंह समझ गया कि मेवाड़ के राजपूत खुद को उच्च समझते हैं आमेर के राजपूतों से। तो तुरंत मानसिंह वहां से उठा, ठीक है, और सैनिकों को आदेश दिया कि मेरा क्या लाया जाए? हाथी लाया जाए, हाथी भी बेटा, और जयपुर के लिए रवाना, सॉरी आगरा के लिए रवाना हो गया। पर जाते जाते मानसिंह ने कहा किसको? अमर सिंह को, कि अपने फादर को बोलना सिर दर्द की टेबलेट की व्यवस्था कर ले, उसका सिर दर्द हो रहा ना तो मैं सिर दर्द मिटाने आऊँगा। ठीक है, बैटल ऑफ द हल्दीघाटी 1576 के अंदर। अमर सिंह ने भी कहा, उसको जवाब दिया अमर सिंह ने कहा वो तो सब ठीक है पर तू अपने फूफा को भी लेके आ जाना। कौन था मानसिंह का फूफा? अकबर। इन दोनों में थोड़ा सा विवाद हुआ और चले गए। ठीक है, तो सेकंड जो
प्रयास किया था अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। वो किसको भेजा था? मानसिंह को, पहला जलाल सिंह जलाल खान 1573, फिर मानसिंह 1573, ठीक है। फिर तीसरा जो अभी भी अकबर महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं करना चाहता था, इसलिए अकबर ने इस बार किसको भेजा? भगवंत दास को। किसको भेजा? भगवंत दास को। कहाँ पर भेजा? महाराणा प्रताप के दरबार में। महाराणा प्रताप के पास गया भगवंत दास, तीसरा व्यक्ति था, तो महाराणा प्रताप ने बोला किसको, सॉरी भगवंत दास ने महाराणा प्रताप को कहा कि आपको अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप ने कहा, मुझे भगवंत दास एक बात बता, जब 1568 के अंदर नाइन के अंदर तुमने उदय सिंह के मेरे फादर के समय चित्तौड़गढ़ जीत लिया था, तो उस टाइम पे तू ही था ना वो जिसने कत्लेआम का ऑर्डर करवाया था, 30,000 मेवाड़ी लोगों को मरवाया था, उसका जवाब दे मुझे। इस जवाब को टालकर भगवंत दास वहाँ से रवाना चुपचाप हो गया, मतलब भगवंत दास भी अनसक्सेस रहा। फोर्थ, अब अकबर ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो एक कवि को भेजा जाए, समझदार व्यक्ति को। इस बार अकबर ने किसको भेजा? फोर्थ नंबर के जो शिष्टमंडल था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल गया, टोडरमल ने भी घुमा फिरा के बहुत सारी बातें की। टोडरमल ने कहा कि मैं आपको समझाने नहीं आया कि अकबर की अधीनता स्वीकार करूँ, पर मैं आपको अकबर की अधीनता स्वीकार करने के फायदे बताने आया हूँ। तो महाराणा प्रताप ने कहा टोडरमल को कि अकबर को बोल तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं तुझे इसके फायदे बताता हूँ। टोडरमल समझ गया कि महाराणा प्रताप नहीं मानने वाला, क्योंकि महाराणा प्रताप के अंदर राणा सांगा और राणा कुंभा की छवि झलकती थी। महाराणा प्रताप बड़े ही बहादुर थे, और इस थर्ड फोर्थ अभियान के बाद में अकबर ने फाइनली ठान लिया कि हमें युद्ध करना है। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। जो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का बैटल हुआ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।